दरभंगा नगर निगम सहित पूरे बिहार में नगर निगम का चुनाव होना है, इसको लेकर सब जगह प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान प्रारंभ कर दिए हैं एवं घर घर जाकर लोगों से यह कह रहे हैं कि आप हमें एक बार मौका दें, वार्ड में जो समस्या है, शहर की जो समस्या है, उसको हम निजात दिलाएंगे। अगर हमें एक बार मौका मिलता है तो वार्ड स्तर से जितनी सारी समस्या हैं उसका निजात होगा। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का, यहां के प्रत्याशी हैं रंजू देवी। वो लगातार घरों में जाकर लोगों से ये कह रही हैं, खास करके महिलाओं से अपील कर रही हैं कि महिलाओं के लिए जो समस्या है वार्ड में, उस पर हमारी पूरी नज़र है। अगर हमारी इस बार जीत होती है तो मैं लोगों का विकास करूँगा एवं साथ साथ वार्ड की जो समस्या है उस पर हमारी पूरी नज़र है। वार्ड की समस्या का भी मैं निजात दिलाऊंगा, खास करके जल जमाव की समस्या, जहां सड़क नहीं है वहां सड़क बनवाऊंगी, और जो वृद्धा पेंशन यो जो अन्य कार्य है उस पर हमारी पूरी पैनी नज़र है। अगर आप हमें एक बार मौका देते हैं तो वार्डों की समस्या पर मेरी पूरी नज़र है, मैं विकास करूंगा। जिस प्रकार से ये जनसंपर्क कर रहे हैं, इससे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में यह भी भावना जगी है कि ऐसे प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए जो वार्ड सहित पूरे नगर का विकास करे। इस संबंध में कई मतदाताओं से हमारी बात हुई, वहीं जनसंपर्क करने वाले प्रत्याशी रंजू देवी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने क्या कही वो भी आप सुने, एवं मतदाताओं ने क्या कहा वो भी आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। आपने पूरे वार्ड का भ्रमण किया, क्या लगा आपको कि सबसे बड़ी आप समस्या आपके वार्ड में क्या है? समस्या रोड का है और नाला का है और जल निकासी का है, यही सब देखे हैं, और पढ़ाई लिखाई का भी, शिक्षा का भी बहुत कोना कोना से देखे हैं। सब आदमी बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा लोग जो है सो पढ़ाई वढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है, यही सब देखे। तो क्या करेंगे इस बार अगर आपकी जीत होती है तो क्या करेंगे? पूरा करेंगे, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद पैकआउट कर जाते हैं। अगर हमारा जो सपना था वो पूरा हो जाता तो, लेकिन नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि उस सपना को हम खुद पूरा करें, जो कि हमारी चाची रंजू देवी जी खड़ी हुई हैं, उनके साथ 4 नंबर पे वोट दिया जाए इनको। और जो भी सपना है वार्ड नंबर 2 के जो विकास का क्षेत्र, और मुझे एक मिला है इस दौरा में खास करके कि मिथिला पेंटिंग और बहुत सारा टैलेंट और लोग सब हैं, ठीक है, वो करके कर रही हैं काम, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए जिस तरह से उनका मेहनत है, उसके लिए एक केंद्र बनाया जाएगा, मिथिला पेंटिंग के लिए भी एक सेंटर बनाया जाएगा जिसमें उन सभी महिलाओं जो कर सकती हैं वो क्षेत्र, तो हम अच्छा लगेगा कि हमारे वार्ड नंबर से इतनी टैलेंट। क्या कहेंगे आप, कैसा आदमी का चुनाव करवे बेर जे वार्ड के विकास करते? इनके आइबर पाछी में छे हम सब। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अभी जस्ट कल रिजल्ट आया है जिसमें सब नए चेहरे आए हैं, और आशा करते हैं कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन ऐसा होगा जो कि एक विकास की आंधी आएगी वार्ड नंबर 2 में। दरभंगा नगर निगम में प्रवेश द्वार आज वार्ड नंबर 2 है, आदमी जब भी एयरपोर्ट से निकलेगा पहला एंट्री जो है वार्ड नंबर 2 से करेगा, और हम लोग चाहते हैं वार्ड नंबर 2 सबसे समृद्ध, सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, जो अपने आप में एक उदाहरण बने, और इसके आधार पर और वार्ड में जो है आदमी आए। प्रश्न ये नहीं है जो कि विकास मतलब सर्वांगीण विकास, जो जल जमाव, रास्ता, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ तक बेरोजगारी, जो अभी हमारे यहाँ श्रमिक एरिया है, हर आदमी चाहता है कि रोजगार मिले इस तरफ है। और देख रहे हैं कि आप जनसंपर्क अभियान चल रहा है, और जो प्रत्याशी हैं घर घर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम वार्ड का विकास करेंगे। तो जिस प्रकार से जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में है कि अच्छे लोग आवे। जिस प्रकार से जनसंपर्क हो रहा है उसका परिणाम भी आएगा, और जिस प्रकार से मतदाता वोट डालेंगे
किसके पक्ष में वोट डालेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग वार्ड में चुन के आवे। ये दृश्य है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का।